मधुबनी न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश रीवा में आयोजित मातृ शक्ति सम्मेलन में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला को महिला शक्ति सम्मान से नवाजा। नारी शक्ति के उत्थान और मानवता के महान योगदान में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए कृष्णा राज कपूर के विशाल सभागार में रीवा की विदुषी महिलाओं की उपस्थिति में किया गया सम्मानित। बढ़ती ठंडी के असर को देखते हुए मध्य प्रदेश में पन्ना के जनवार में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गरीब और असहाय लोगों को वितरित किए गए कंबल। बीके बहनों ने बताया कि व्यक्ति अपने कर्मों से दुखी और परेशान होता है, इसलिए जीवन में श्रेष्ठ व पवित्र कर्म करने चाहिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सेवा केंद्र के संस्थापक और पूर्व क्षेत्रीय निदेशक बीके लक्ष्मण भाई जी की मनाई गई 7वीं पुण्यतिथि। करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज और बीके शकुंतला ने भाई जी की विशेषताओं पर डाला प्रकाश। अपने जीवन को, अपने तन मन धन को, समय स्वास्थ्य संकल्प को, मन वचन और कर्म को उस खुदा के ऊपर खिदमतगार बन करके बहुत अच्छी तरह से अर्पित करके हम सभी के लिए सैंपल और एग्जाम्पल बन गए। ग्वालियर के तानसेन नगर सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शनि देव मंदिर में लगाई गई व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी। मंदिर के प्रमुख रेणु चौहान ने किया शुभारंभ। बीके अंजू ने दी व्यसनों से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी। बीके अंजलि ने बताया कि राजयोग द्वारा हम अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़ के नेवाली में पिसवली सेवा केंद्र के द्वारा वसई आई हॉस्पिटल के सहयोग से निशुल्क मोतीबिंद शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा सभी में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति लाई गई जागृति। जिला परिषद सदस्य श्याम बाबू राव पाटिल, सरपंच खुशाली साईनाथ पाटिल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति का रहा मुख्य योगदान। मराठी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुदखेड़ में पत्रकारों को किया गया सम्मानित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा ने पत्रकारों द्वारा समाज में जागरूकता लाने के कार्यों को सराहते हुए मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता पर दिया जोर। मध्य प्रदेश में नारायणपुर में चल रहे साप्ताहिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने दिया ऐश्वर्य संदेश। कथावाचक आशीष दुबे, ज्योतिषाचार्य और कथावाचक सोमेश परसोई को माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों की उत्पत्ति होती है निगेटिव से। इसलिए जिसका मन में संकल्प निगेटिव है वो पॉजिटिव है, जिसका हृदय स्वच्छ है वही परमात्मा का ध्यान लगा सकता है, परमात्मा सदा उसके साथ में आ सकता है। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम सेवा केंद्र पर माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने खुशहाल जीवन जीने हेतु स्वचिंतन विषय पर किया प्रेरित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसी ने भी दूसरों में विशेषताएं देखने की कही बात। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर बीके भगवान ने सहन शक्ति का बताया महत्व। कहा, सहन शक्ति से विघ्न वरदान बनते हैं और क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है। नर्मदापुरम के शासकीय हाई स्कूल रसूलिया में बच्चों को एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग का अभ्यास करने पर दिया गया बल। बीके भगवान ने चरित्र निर्माण करने की कही बात। सीनियर शिक्षिका राखी जैती समेत स्कूल का पूरा स्टाफ रहा मौजूद। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। भोपाल की बी चैनल के द्वारा बीके भगवान ने दिया ऐश्वर्य संदेश। साथ ही सकारात्मकता से तनाव मुक्त जीवन बनाने की कही बात। संवाददाता राधिका राठौर ने लिया इंटरव्यू। केवल IQ नहीं, IQ के साथ EQ, MQ, SQ जैसे टेबल है, टेबल के चार पाव हैं,
अगर एक ही पाँव तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में चार पाँव मजबूत चाहिए, एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ इमोशनल, MQ मॉरल, SQ स्पिरिचुअल। लखनऊ के आलमबाग सेवा केंद्र के द्वारा अनोखे अंदाज में किया गया नव वर्ष का स्वागत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने आने वाले नए स्वर्णिम युग की दी बधाई। बीके ज्योति ने कराया 5 स्वरूपों का अभ्यास। मुंबई कल्याण के नहवली सेवा केंद्र के द्वारा कई स्कूलों और कॉलेजेस में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। डॉक्टर भारती, डॉक्टर वर्षा और डॉक्टर उषा ने किया मार्गदर्शन, राज्यों का भी कराया अभ्यास। बिहार के शेखपुरा में चलाए गए 2 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान। फायर ब्रिगेड ऑफिस, नगर पालिका, सदर अस्पताल समेत अनेक स्थानों पर बीके राजीव ने बताया कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए मनुष्य को व्यसन, मोबाइल, सिनेमा जैसे कई प्रकार के नशे से खुद को बचाना होगा, जिसमें राज्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं आगे जवाहर नवोदय विद्यालय दल्लू चौक, पिंजरी गांव और संस्कार पब्लिक स्कूल में बीके राजीव ने नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ संस्कारों को जीवन में धारण करने पर दिया बल। बुरी आदतों पर जीत पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ाने की कही बात। इसी तरह कमासी बस्ती फरीदपुर गांव मध्य विद्यालय कमासी रामाधीन महाविद्यालय में भी बीके राजीव ने चित्र प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर के माध्यम से युवाओं को मोबाइल, नशीले पदार्थों के भयानक वायरस से स्वयं की सुरक्षा करने का दिया संदेश। शेखपुरा में आयोजित सभी कार्यक्रमों में बीके अनु, बीके संजय और बीके धनंजय का भी रहा मुख्य योगदान। नशे से बचने के लिए राज्यों को बताया कारगर, होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी दी जानकारी। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।